हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू पेशावर चैनल के मी। टुडे वी डिस्कस अबाउट कि किस तरह स्ट्रेट चैनल गेन को नाम देना है। ठीक है, मैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट, अगर आपने अभी तक पेशावर चैनल के मी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए एंड ऑल्सो क्लिक द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट वीडियो। नो चलिए स्टूडेंट, आप स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट, सिंपल स्ट्रेट अल्केन के लिए हमें किस तरह नाम देना है तो मैं आप वो आपके साथ डिस्कस करने वाला, लेकिन वीडियो को स्टार्ट से एंड तक वॉच करें ताकि आपका कंसेप्ट अबाउट के सिंपल स्ट्रेट अल्केन को किस तरह नाम देना है तो मैं आपको आप कंसेप्चुअल बताने वाला हूं। ठीक है, नो डियर स्टूडेंट, फर्स्ट हमें करना क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यह करना है ओके कि हमें कार्बन नंबर को काउंट करना है। क्या कार्बन नंबर को काउंट करना है इन द फॉर्मूला ऑफ अल्केन। इन द फॉर्मूला ऑफ अल्केन में फर्स्ट ऑफ ऑल हमें करना है कि नंबर ऑफ कार्बन एटम को काउंट करना है। ओके, काउंट द नंबर ऑफ एटम, कार्बन एटम। ओके, कार्बन एटम को हमें काउंट करना है इन द फॉर्मूला ऑफ अल्केन। इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट दिस, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये है C5H12। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये करना है कि हमें कार्बन एटम को काउंट करना है, हमारे पास है 5। ओके, नोट दिस पॉइंट। सेकेंड क्या करना है डियर स्टूडेंट, जो हमारे पास अल्केन में 4 मेंबर है, इसको ऑलरेडी नाम दिया गया है मीथेन, इथेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन। ओके, मीथेन का जो फार्मूला है वो ये है CH4 इज द फार्मूला ऑफ मीथेन। ओके, एंड C2H6 इज द फार्मूला ऑफ इथेन, इसको ऑलरेडी नाम दिया गया है, जस्ट आपको ये रिमेंबर करना होगा। ओके, C3H8 ये है फॉर प्रोपेन, ये आपको जस्ट रिमेंबर करना होगा। C4H10 ये है फॉर ब्यूटेन। अब फॉर हायर अल्केन के लिए किस तरह नाम देना है, इसको ऑलरेडी नाम दिया गया है फॉर 4 मेंबर। ओके, फर्स्ट 4 मेंबर को ऑलरेडी नाम दिया गया है, वो ये है, आपको जस्ट ये रिमेंबर करना होगा। हायर अल्केन के लिए किस तरह नाम देना है, इसके लिए हमें प्रीफिक्स यूज करना है। हायर अल्केन के लिए हमें क्या यूज करना है, प्रीफिक्स, ग्रीक नोमरल। ग्रीक नोमरल मींस ग्रीक नंबर। ओके, नोट दिस इंपॉर्टेंट पॉइंट, हायर अल्केन के लिए हमें ग्रीक नोमरल यूज करना होगा। ठीक है, ग्रीक नोमरल मींस ग्रीक नंबर। ओके, प्रीफिक्स, हायर अल्केन के लिए हमें प्रीफिक्स यूज करना होगा ग्रीक नोमरल्स। ग्रीक नोमरल मींस नोमरल, ग्रीक नोमरल मींस ग्रीक नंबर। ओके, ग्रीक नंबर। ओके, अब यहां पर देख सकते हैं कि ग्रीक नोमरल, ओके, हमारे पास 5 के लिए पेंट फॉर 5, ओके, हेक्स फॉर 6, हेप्ट फॉर 7, ऑक्ट फॉर 8, ओके, एंड नॉन फॉर 9 और डेक फॉर 10, ये है ग्रीक नंबर। ओके, ये क्या है, ग्रीक नंबर, पेंट 5 के बराबर है। ठीक है, हेक्स ये हमारे पास क्या है, ये ग्रीक नॉर्मल है, ये भी ग्रीक नॉर्मल है, ये भी ग्रीक नंबर है, मींस ग्रीक नंबर है। ओके, ये ग्रीक नंबर है, ऑक्ट नॉन डेक ये क्या है, ग्रीक नंबर है। हायर अल्केन के लिए हमें ये यूज करना होगा, नोट दिस इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, अब हमें क्या करना होगा, हमें थर्ड पॉइंट ये है कि एट द एंड ऑफ ग्रीक नॉर्मल्स वी राइट एन। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट दैट, एट द एंड हमें क्या करना होगा, एट द एंड हमें लिखना होगा एन। ओके, एट द एंड, इंपॉर्टेंट पॉइंट, एट द एंड हमें क्या लिखना होगा, राइटिंग एन। ओके, हमें एन को राइटिंग करना होगा एट द एंड ऑफ ग्रीक नॉर्मल, ग्रीक नॉर्मल के एंड में हमें ये लिखना होगा। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट दिस, फॉर एग्जांपल यहां पर आप देखते हैं, मैं आपको एक कुछ एग्जांपल इसी पर सॉल्व करवाता हूं। ठीक है, ये हमारे पास हायर अल्केन C5H12, ओके, C6H14, C7H16। अब इसको किस तरह नाम देना है, ये हमारे पास हायर अल्केन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें करना क्या है, काउंट द कार्बन नंबर, हमने ये काउंट कर लिया। अब इसके बाद क्या करना है, ये हमारे पास हायर अल्केन है, इसके लिए यूज करना है फॉर 5 के लिए
ग्रीक नॉर्मल, ओके सेकेंड इज ग्रीक नॉर्मल। एंड थर्ड हमें क्या करना है, थर्ड पॉइंट ये है कि हमें एन लिखना होगा एट द एंड ऑफ ग्रीक नॉर्मल। ओके फाइव के लिए ग्रीक नंबर है पेंट, तो पेंट के आखिर में यहां पर क्या लिखना है, एन लिखना है, ठीक है, पेन पेंट यहां पर पेंट है, ओके पी पेंट, ओके तो यहां पर एन लिखना होगा, ओके पेंटेन, दिस इज द नेम ऑफ दिस कार्बन दिस कंपाउंड। ओके तो अब इसको किस तरह नाम देना है, काउंट द कार्बन नंबर एंड देन फॉर हायर एल्केन के लिए हमें यूज करना है ग्रीक नॉर्मल, इसके लिए ग्रीक नॉर्मल है सिक्स के लिए हेक्स, ओके मींस हेक्स, हेक्स के लास्ट में क्या लिखना है एन, यह है नेम फॉर दिस कंपाउंड। ओके अब इसके लिए किस तरह नाम देना है, फर्स्ट काउंट द कार्बन नंबर सेवन है तो इसके लिए ग्रीक प्रीफिक्स यूज होता है हेप्ट और आखिर में यह लिखना हो, ओके हेप्ट इसके आखिर में ए एन लिखना है हेप्टेन, यह है नंबर ऑफ दिस। ओके अब मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूं, आप इसको खुद हल करें और वो कमेंट सेक्शन में इसका आंसर भेजें कि आपका कॉन्सेप्ट अबाउट स्ट्रेट चेन अल्केन को नाम देने में क्लियर हुआ या नहीं। ठीक है तो मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूं, सी एट ओके एंड एच 18 सी 9 एच 20, अब इसको आप खुद नाम दें और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर भेजें, ओके कमेंट सेक्शन में इसका आंसर भेजें। ओके दिस इज ऑल अबाउट के स्ट्रेट चेन अल्केन को नाम किस तरह देना है। ओके फ्रेंड थैंक फॉर वॉचिंग।